नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्रिया प्रकाश वॉरियर जो मलयालम एक्ट्रेस है और उस सेकिन की क्लिप ने उनको रातों रात इंटरनेट पर स्टार बना दिया। बाहर के देशों में भी उसकी चर्चाएं होने लगी है क्योंकि बहुत सारे लोग उनको फॉलो करने जा रहे हैं और हर कोई उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो अब नया एक विवाद सामने आ गया है कि वो मुश्किल में फंस गई है और उनके खिलाफ किसी ने शिकायत दर्ज कर दी है उनके और उनके प्रोड्यूसर के खिलाफ। आपको बता दें, वीडियो मलयालम फिल्म उर उदार लव का है। इस फिल्म के गाने की एक छोटी झलक जैसे ही सोशल मीडिया इंटरनेट पे आई तो मानो तहलका मच गया। प्रिया प्रकाश वॉरियर की पॉपुलैरिटी बहुत सारे बड़े बड़े वर्ल्ड के स्टार को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुकी है और उन्होंने लगभग एक दिन में 6 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बनाए और अब तक प्रिया प्रकाश वॉरियर के 28 लाख से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलोअर बन गए हैं। और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, और या तो लोग आपस में चर्चा उसी लड़की की कर रहे हैं कि ये लड़की कौन है, क्यों इस बारे में चर्चा हो रही है। तो अचानक अब उनके खिलाफ एक धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला सामने आ गया है। लोग अब इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जो गाना है उसका ट्रांसलेशन में इस्लाम धर्म के खिलाफ बताया गया है। कुछ उसमें ऐसे शब्द हैं कि जो उनके सेंटिमेंट को हर्ट कर रहे हैं। तो अब देखना है कि एक गाने से कितना लोगों का धर्म खतरे में आ गया है। ये आगे मामला बढ़ेगा काफी चर्चा में आने के बाद। अब देखते हैं कितने फतवे जारी होते हैं।